अंग्रेजों के जमाने की पुलिस से ज़्यादा बर्बरता इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, शिवराज की सरकार में पुलिस है। मैं उसके उदाहरण इसलिए भी मैं उनकी बात से सहमत हूँ, यहाँ के आम नागरिक और व्यापारी जो मुझे उन्होंने बताया, पिछले महीने मंडला में सोनी परिवार के 6 लोगों की हत्या होती है, एक महीने बाद खरगापुर में 5 सोनी परिवार के लोगों की हत्या होती है, 2 दिन पहले मैं दतिया गया जहाँ पे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा रहते हैं, चुनाव लड़ते हैं, वहाँ पे एक थानेदार है श्रीमान भदौरिया, उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकला हुआ है। पर मैं कहता हूँ वारे गृह मंत्री, वारे शिवराज, वारे SP दतिया, जिसके खिलाफ वारंट निकला वो कुर्सी पे बैठ के 150 निरपराध लोगों के खिलाफ मुकदमा बना के जेल भेज रहा है। हमारे जो विधायक का चुनाव लड़े थे राजेंद्र भारती, उनके बड़े भाई एडिशनल कलेक्टर हैं, उनको भी कल जेल भेज दिया। जो यहाँ एक परिवार की हत्या होती है, बचा हुआ परिवार है उसको जेल में डाल दिया जाता है, ये किस तरह की जाँच है? यहाँ का TI सुनील शर्मा, मुझे बताया गया, मैंने उसकी ऑडियो सुनी है, किस अभद्र भाषा में गालियां बकते हुए, ऐसे आदमी को तो फांसी पर लटका देना चाहिए जो शपथ लेके आता है जनता की सेवा की। और मैंने जो उसकी गालियां ऑडियो पे सुनी है, SP ने कहा कि मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र क्या उसका सब्स्टिट्यूट है? जब ऑडियो आपके पास आ गया, सस्पेंड करके निलंबन की कार्रवाई ऐसे अधिकारी पर करना चाहिए जो जन सेवक नहीं, जन रक्षक नहीं, ये जन भक्षक। जो निरपराध लोग 5 मारे गए हैं, मैं मुख्यमंत्री शिवराज चौहान से मांग करता हूँ, आम जनता खरगापुर की, व्यापारियों की तरफ से, कि यदि तुम ईमानदार जनसेवक हो शिवराज चौहान, तो CBI जांच की इंक्वायरी का आदेश आज ही कर दो, मेरा ये कहना है।